हे गाइस, दिस इज अमन कुमार पटेल और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास का पूरा सिलेबस फिजिक्स का कवर कर रहे होंगे। इसी प्रकार हम केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार हम मैथ के लिए भी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास का पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे, जो कि हमारे पास CBSE बोर्ड, MP बोर्ड और अदर बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट साबित होगा। ठीक है ना, इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि CBSE बोर्ड या फिर MP बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और हम ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर MP बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड अदर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में से पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमारे पास काम के होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो काम के होंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं इस पॉइंट से, यहाँ से वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो देखो जब कभी भी क्या होता है ना कि हम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो रेस्ट पर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रो का मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और स्टैटिक्स मतलब समझ लीजिए रुके हुए होना, है ना। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते हैं तो जिस फिजिक्स की ब्रांच में इलेक्ट्रॉन को रुके हुए अवस्था को हम पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को पढ़ते हैं रेस्ट पोजीशन पर, उस ब्रांच को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस ब्रांच को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच बोलते हैं। कौन सी ब्रांच बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच बोल रहे होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच होती क्या है जिसको हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन की रुकी हुई अवस्था को पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, कौन सी ब्रांच बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे होते हैं। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन अब कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होगा ओनली इसका, है ना, मैग्नीट्यूड होगा केवल, नो डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। आपने टेंथ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम। क्या पढ़ा होगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से अपने को Q निकालना है। तो I इंटू टी बराबर Q आ गया, यानी चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास? I इंटू टी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? I इंटू टी। अच्छा, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बताओ? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। तो अगर हम क्यू का वो लिखना चाहेंगे डायमेंशनल फार्मूला, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहेंगे, तो ए की पावर 1 है और टी की पावर भी 1 है, एम की पावर 0 है और एल की पावर क्या है हमारे पास? 0 है, क्योंकि देखो इसमें मीटर वगैरह कुछ आया नहीं है, इसलिए एम की पावर क्या हो जाएगी? 0 और एल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज देखो किसका किसका प्रोडक्ट है हमारे पास? आई इंटू टी का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? आई इंटू टी का प्रोडक्ट जो होता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो आपको ये वाली बात यहाँ से याद करनी होगी, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आई टी होता है। और जो हमारे पास चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास A1 T1 M0 L0 होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ बातें जानना चाहते हैं इस प्रकार से। जैसे देखो लो हमारे हमने क्या किया कि एक रॉड को हमने इधर साइड से लटका दिया, इधर साइड हमने बोला इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोला हमने? पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम दूसरी रॉड को इसके पास लेके आ रहे हैं जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों रॉड जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? रिपल कर रही होंगी। क्या वो कर रही होंगी? रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन मतलब हो गया कि एक दूसरे को दूर भेज रही होंगी, ठीक है ना।
ठीक है ना, आकर्षित नहीं हो रही हैं, विकर्षित हो रही है ना, विकर्षित हो रही है मतलब एक दूसरे को दूर भेज रही हैं, दूर भेज रही है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे पॉजिटिव था और पॉजिटिव चार्ज को ही उसके साथ ला रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रहा था, रिपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपल। अब मान लो इधर साइड से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें निगेटिव चार्ज वाली प्लेट ला रहा हूँ, निगेटिव चार्ज वाली प्लेट ला रहा हूँ, सॉरी यहाँ इधर साइड से मतलब आपने क्या किया कि अब यहाँ पे एक लटका रखे हो, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, अब यहाँ से आपने नेगेटिव नेगेटिव वाली प्लेट ला रहे हो। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आते हैं तो इन दोनों में हमने पाया कि अट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो फिर हमने एक पॉइंट निकाल लिया ये कि चार्ज के बारे में एक चीज़ है, ये चार्ज की मतलब कि वो है क्वालिटी है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, ध्यान दीजिए, अपोजिट चार्जेस हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। अपोजिट चार्ज देखो प्लस और माइनस थे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इधर साइड सेम चार्जेस जो थे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्या क्या पॉइंट याद करना है, एक तो ये याद करनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज याद करना है कि क्यू बराबर आई टी होता है, और ये याद करना है कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिर पेपर में ये पूछा जा सकता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, ये पूछा जा सकता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये सारी चीज़ें आई हो अब आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हमारे पास ये आ रहा है कि इंडक्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू नो द इंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय द इंडक्शन, हम क्या पॉइंट जानना चाहते हैं यहाँ पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके हालांकि ज़्यादा यूज नहीं है पेपर ऊपर में, लेकिन इसका क्या है ना कि इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आखिर होता कैसे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आखिरकार देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक शीलिंग से आपने क्या किया कि एक रॉड को लटका दिया है जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक ऐसी रॉड लेके आ रहे हो, एक ऐसी रॉड लेके आओ जिसमें कोई चार्ज नहीं है ना, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो आप एक चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, क्या है, चार्ज्ड बॉडी का मतलब होता है इसमें चार्ज पहले से पॉजिटिव चार्ज था, नहीं समझ रहे हो, चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले से देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज्ड बॉडी है तो इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पे क्या लिए हैं, न्यूट्रल बॉडी लेके आए हैं। तो होता क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन में, जब कभी भी हम किसी भी चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं तो इसमें भी चार्ज अपने आप जनरेट हो जाता है, इसमें भी अपने आप क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। और वो जो चार्ज जनरेट होता है ना, वो होता है इस, अगर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज, इसको लिख देते हैं चार्ज जनरेटेड, है ना, ऐसा चार्ज जो कि उत्पन्न हुआ है, अभी चार्ज था नहीं पहले, पहले हालांकि यहाँ पे चार्ज था नहीं, अब चार्ज ये आया गया है, है ना। पहले क्या था कि देखो आपने क्या किया, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है कि एक प्लेट जिस पर कोई चार्ज नहीं था उस पर कोई चार्ज का लेके आना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहली प्लेट में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट में कोई चार्ज नहीं था, जब पास लेकर के आए तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, हमारे पास इंड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप चार्जिंग बाय इंडक्शन लिख सकते हैं, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट, इधर लिख लेते हैं, चलो, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर ब्रॉट नियर अनचार्ज्ड कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं अनचार्ज कंडक्टर के पास, देन द अपोजिट चार्ज, मतलब कि उल्टा चार्ज, अपोजिट चार्ज इज जेनरेटेड इन न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर में अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या बोला हमने, जब कभी भी हमने चार्ज कंटेनर, चार्ज मतलब जिस एक ऐसा चालक जिसमें चार्ज था, उस चार्ज चालक को जब हम ऐसे चालक के पास लेके आते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, उसका अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास तीन टर्म देखना चाहते हैं, तीन टर्म बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। चलो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, है ना, और एक होता है हमारे पास सेमी कंडक्टर। क्या होता है, तीन डेफिनेशन इसको याद कर लेंगे आप, है ना, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। ये हो गए हमारे पास तीन पॉइंट, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर। क्या क्या बोला मैंने, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर को बोलते हैं चालक, इंसुलेटर को बोलते हैं सुचालक, और सेमी कंडक्टर को बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है ना। तो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट जो होता है हमारे पास क्या होता है, करंट कैन फ्लो। इसमें कंडक्टर वो होते हैं जिसमें धारा जो होती है ना वो बह सकती है, करंट की करंट फ्लो हो सकता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, करंट डू नॉट फ्लो, इसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि करंट मे फ्लो, करंट मे फ्लो, मे फ्लो और स्मॉल अमाउंट, और स्मॉल अमाउंट बोल सकते हो आप इसमें, स्मॉल अमाउंट है ना अमाउंट। क्या होता है कि जो कंडक्टर होते हैं ना कि मतलब कि आप बोल सकते हो कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है अच्छी तरीके से, कंडक्टिविटी शो करता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, एक तो रबड़ बोल सकते हो, रबड़ बोल सकते हो, वुड बोल सकते हो, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो आपका आयरन हो गया वगैरह वगैरह, आयरन हो गया, और बोल सकते हो गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें। और सेमी कंडक्टर में आप एग्जांपल दे सकते हो आपके पास जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब हमारे पास इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपको याद रखना है इन तीनों डेफिनेशंस को, आपको याद रखना है कि एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। आप अच्छे से कॉपी में एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन नोट्स बुक, आप अच्छे से एक नोट्स बुक बनाएंगे जिसमें आप पूरे फिजिक्स को नोट डाउन करेंगे, ये सारी चीज़ जो लिखा रहा हूँ वो सब चीज़ें लिखेंगे, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। और जो सवाल आते होंगे उन सवाल को मैं बता दूंगा कौन कौन से सवाल आते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर जो होता है उसमें करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में करंट हमारे पास स्मॉल अमाउंट में फ्लो होता है, या तो फ्लो भी हो सकता है और नहीं भी फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो चार्ज होता है क्या होता है हमारे पास, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो चार्ज होता है कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो उसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। पहली बात क्या होगी हमारे पास कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या है, सबसे पहला पॉइंट आया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड पॉइंट इज हमारे पास एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, क्या आता है, एडिशन ऑफ चार्ज। तो आपको तीन प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है चार्ज की, क्या क्या होती है बताओ। एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, एडिशन ऑफ चार्ज। तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत चार्ज की हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें पहले चार्ज का संरक्षण करते हैं, फिर क्वांटाइजेशन मतलब होता है, अभी बता बात करेंगे आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को ऐड वगैरह कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ना उसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये होता है कि जो आइसोलेटेड बॉडी होती है, क्या होती है, आइसोलेटेड बॉडी होती है, आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार, है ना, कि आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज क्या होता है, तो आइसोलेटेड बॉडी जो होती है उसका चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। आप ये देख रहे होंगे कि अभी जितनी भी चीज़ें हम पढ़े हैं वो सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, तभी हमारे पास चैप्टर्स आगे बढ़ता है, आगे की चीज़ें तभी हमें पता होती हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ द ए बी सी डी ऑफ दैट चैप्टर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, यानी चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
क्वांटाइज्ड होता है। एन जो होता है वो हमेशा इंटीजर हो सकता है। इंटीजर होने का मतलब हो गया वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, 0.5 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, है ना, क्योंकि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, मतलब आपको मतलब कम से कम नहीं तो अब तक 5 ईयर पूछे, 5 साल का ये क्वेश्चन है, 5 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, उसे किस प्रकार लिखेंगे। तो क्यू बराबर होता है हमारे पास प्लस माइनस एनी होता है, क्या होता है प्लस माइनस एनी होता है। अब बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास 2-3 चार्ज हैं, तो क्यू टोटल निकालना है यदि, तो क्यू टोटल निकालने के लिए हमें करते हैं कुछ नहीं करना है, अपने को सभी चार्जों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है जितने भी चार्ज दिए हुए हैं। तो सिंपल से पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉइंट ये वाला है, अच्छा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और क्यू बराबर होता है हमेशा प्लस माइनस एनी। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और क्यू बराबर हमेशा क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है एनी होता है। चलिए एक पॉइंट बताने वाला हूँ आपको अभी मैं। अच्छा आपको ये क्या पता है, अच्छा अभी ये वाला पॉइंट तो आपने भूल ही गए, क्यू की जो वैल्यू होती है चार्ज, वन कूलॉम चार्ज होता है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19, ओ सॉरी वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19 कूलॉम्ब होते हैं। कितने होते हैं, 9.6 मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी 1.6 होते हैं यार, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी, गलती से हो गया। वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैं कुछ और सोच रहा था, चार्ज का जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.9 वो सोच रहा था, वो सोच रहा था कि 9 पॉइंट होता है ना, 9 × 10⁻³ होता है, वो सोच लिया गलती से। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं ना वो माइनस होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए क्या होता है कि वन इलेक्ट्रॉन बराबर −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब होता है। इसको आप कन्फर्म याद कर लें क्योंकि इट इज़ अब ABCD ऑफ चैप्टर। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम्ब चार्ज होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉइंट है ऑब्जेक्टिव बेसिस में आता है, आप याद कर लेंगे इसे, कि जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कुछ एलिमेंट्री यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। कुछ किससे बने होते हैं, एलिमेंट्री यूनिट मतलब होता है कि कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं, तो उन्हें हम बोलते क्या हैं, नोन एज क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क, क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। तो ये पूछा जाएगा, ये आपके पूछा ऑब्जेक्टिव बेसिस में पूछा जा चुका है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, किससे मिलकर के किस एलिमेंट्री यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आपका आंसर होगा क्वार्क से मिलकर बने होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं हमारे पास, क्वार्क से बने होते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड ऑफ द क्वार्क, ठीक है ना। अब क्वार्क जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्वार्क जो होते हैं उनको हमने दो प्रकार में बांट दिया। एक होता है हमारे पास अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है हमारे पास डाउन क्वार्क, है ना। क्वार्क को हमने दो भागों में बांटा, एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क। आपको अप क्वार्क जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +2/3e होती है, क्या होती है, +2/3 इलेक्ट्रॉन होती है। और डाउन क्वार्क जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1-1/3 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो याद करो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एलिमेंट्री यूनिट से बने हुए होते हैं जिसे हम क्वार्क बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री यूनिट से बने हुए होते हैं जिसे हम क्वार्क बोलते हैं। दो प्रकार के क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क जो होता है उसमें +2/3 e इलेक्ट्रॉन होते हैं और डाउन क्वार्क जो होता है उसमें -1/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। चलिए हाउ मेनी, अब एक क्वेश्चन है, बहुत बेनिफिट वाला क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। एक ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा पॉपुलर तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये ऑब्जेक्टिव में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक 1 कूलॉम्ब चार्ज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलॉम्ब चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 कूलॉम्ब चार्ज को जनरेट कर रहे होंगे। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, यन ई होता है, कितने कूलॉम्ब चार्ज चाहिए, 1 कूलॉम्ब, तो इसकी जगह 1 लिख दीजिए। आपको क्या निकालना है कि
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कूलॉम चार्ज, वन कूलॉम चार्ज चाहिए तो n बराबर क्या ले लोगे आप यहाँ पे, वन ले लो तो वन और ये e हो जाएगा, सॉरी अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछी है हमसे, हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ने पूछी है कि कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n बोलते हैं, तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक वन कूलॉम चार्ज, तो एक कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, यानी इसे हमें पूछ रहा है ना, तो इसे हमने n लिख दिया। अब n की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 1 बाई ई हो जाएगी, आपको पता है 1 बाई ई, ई की वैल्यू जो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, आप जब क्या करेंगे इसको 19 को ऊपर भेजेंगे तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा और ये 1.6 हुआ, इसका 10 जब करेंगे अपन तो इसके 10 को 1 जैसे ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर 19 लिखा हुआ है ना, तो इसको 10 टू द पावर 20 कर दो, और क्योंकि जब इसका 10 करेंगे डिवाइड डिवाइड 10 करेंगे 10 को ऊपर भेज दिए तो ये वैसा हो गया, जब इसे अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा होता है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे आप एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रट लीजिए, एज इट इज़ से आप रट लीजिए कि क्या होता है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक कूलॉम चार्ज को बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलॉम चार्ज को बताते हैं, पेपर में ये सॉल्व करने के लिए भी बोल सकता है दो नंबर में, हालांकि आपको याद होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू 1 दे दी है, हमें बोला है ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलॉम चार्ज बनाएंगे, चार्ज जो है हमारे पास 1 कूलॉम है तो इसकी जगह 1 लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो n पूछा है, e की वैल्यू जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18। आई प्रेफर यू टू, मैं आपको प्रेफर ये करना चाहूँगा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर लें, इसे आपको याद करना ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ये सब निकालने बैठेंगे, इसलिए आप याद कर लें कि n कितना होना चाहिए हमारे पास, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 होना चाहिए, समझ गए, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से हमारे पास चलिए ठीक है नया टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थैंक्स। आप ये सारी चीज़ें अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें आज मैं बताया हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव बेसिस में आती हैं, आप सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक्स।